आज की यह वीडियो हिंदी व्याकरण के लिए मुहावरे और लोकोक्ति की होंगी। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करें यह वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप इसके और भी पार्टों को देख पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं और लाइन बाय लाइन इसे पढ़ भी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मुहावरा और उसके बाद लोकोक्ति। वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मिलेगा, इसलिए जरूरी है कि आप वीडियो अंत तक देखिए। एक्सरसाइज करने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति कई सारे लोगों को एक ही लगता है, लेकिन इसमें भी अंतर है। अगर हम बात करें मुहावरा का, तो मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अभ्यास। मुहावरा का जो वाक्य होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है और इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। तो मुहावरा और लोकोक्ति में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मुहावरा का जो वाक्य होता है, ये पूरा नहीं होता है। इसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा लोकोक्ति का जो वाक्य होता है, ये पूरा होता है। अगर आप चाहें तो उसको किसी के साथ या फिर अकेले ही प्रयोग कर सकते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है मुहावरा और लोकोक्ति में। देखिए, अगर हम बात करें मुहावरा या फिर लोकोक्ति की, तो इतने सारे मुहावरा उपलब्ध हैं और इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उनको एक घंटे या फिर डेढ़ घंटे की वीडियो में कवर नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे इस वीडियो में हम लगभग 200 शब्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और कई बार आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, मतलब कि जिसमें समझ ना हो। अक्ल घास चरने जाना, तो जब ये मुहावरा आ जाए कि अक्ल घास चरने जाना, तो इसका मतलब होता है समझ का अभाव। देखिए, परीक्षा में इसका अर्थ ही आपसे पूछा जाता है। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। अगर मगर करना, मतलब कि आनाकानी या फिर टाल मटोल करना, या फिर आप कह सकते हैं कि बहाने बनाना। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना मतलब निकालना। तो ये जो सारे शब्द हैं, जैसे अगर मगर करना, इनको आप अकेले स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इनको आप किसी वाक्य में जोड़ सकते हैं कि तुम बहुत अगर मगर कर रहे हो, या वह जब हमने उससे ये मांगा तो उसने अगर मगर करना शुरू कर दिया। तो मुहावरा और लोकोक्ति में ये सबसे बड़ा अंतर है। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना मतलब निकालना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि स्वावलंबी होना। आस्तीन का सांप, मतलब कि किसी अपने या निकट व्यक्ति के द्वारा धोखा देना। कपटी मित्र को भी आप आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। आसमान से बातें करना, मतलब कि बहुत ऊंचा होना या फिर तेज गति वाला, इसका ये अर्थ है। आँख का तारा, मतलब कि बहुत प्रिय होना, ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आंखें खुलना, मतलब कि जागना। वास्तविकता से अवगत होना या फिर भ्रम का दूर हो जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि सचेत होना। आंखें चार होना, मतलब कि प्रेम होना, या फिर आमना सामना होना। आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। अंगार उगलना, मतलब कि अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। अंधे की लाठी, मतलब कि एकमात्र सहारा। उखड़ी उखड़ी बातें करना, मतलब कि अन्य मनस्क होना या फिर उदासीन बातें करना। उखड़ी उखड़ी बातें करना। 19-20 का अंतर होना, मतलब कि बहुत कम अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, मतलब कि विपरीत चलना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, मतलब कि रहस्य की बात को दूर से ही जान लेना। इज्जत खाक में मिलना, मतलब कि पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचना। देखिए, आपको इस वीडियो को देखने का मोटिव ये होना चाहिए कि आपको इस वीडियो को बस 2 से 3 बार देखना है। जो भी मुहावरे या फिर लोकोक्ति यहाँ पे लाए गए हैं, उनको याद कर लेना है। ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इस हमारे द्वारा छाटे गए हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसे 2 से 3 बार देखें, ताकि सभी शब्द आपको याद हो जाए। ईंट का चाँद होना, मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईंट से ईंट बजाना, मतलब कि पूरी तरह से नष्ट करना।
ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि जबरदस्त बदला लेना, या फिर करारा जवाब देना। कान भरना, कान भरना का क्या होता है? किसी के खिलाफ किसी को कुछ बताना, मतलब कि किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना, उसको हम कहते हैं कान भरना। कूच करना, कूच करना मतलब कि प्रस्थान करना, चलना शुरू कर देना। जैसे कि क्रांतिकारियों ने यहाँ से अंग्रेजी सेना के खिलाफ कूच कर दिया, तो यह है कूच करना। खून पसीना एक करना, मतलब कि कड़ी मेहनत करना। किसान खून पसीना एक करके अनाज उगाता है। घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, बिल्कुल निश्चित हो जाना, या फिर किसी प्रकार की चिंता ना हो जाना। मतलब कि उसकी लड़की की शादी हो गई, उसके बाद वो घोड़े बेचकर सो रहा है, इस तरह आप कह सकते हैं। घी के दिए जलाना, मतलब कि अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशियां मनाना, प्रसन्नता जाहिर करना। चार चांद लगाना, मतलब किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना। किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, किसी को ज्यादा मान सम्मान देना। जैसे कि जब कोई आता है तो हम कहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया, मतलब कि ये तो पहले से सुंदर था ही कार्यक्रम, लेकिन आपने यहाँ पे आकर इसकी सुंदरता और बढ़ा दी। चैन की सांस लेना, मतलब कि काम निपटाकर निश्चिंत हो जाना, कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस करना, ये होता है चैन की सांस लेना। चोली दामन का साथ होना, मतलब कि गहरी मित्रता होना। कहा जाता है कि उनका, राम और श्याम का, चोली दामन का साथ था। अत्यधिक घनिष्ठ होना कह सकते हैं, और या फिर इसका अर्थ होता है बहुत मधुर संबंध होना। चिकना घड़ा होना, ये बहुत बार पूछा गया है। चिकना घड़ा मतलब कि बेशर्म होना, किसी बात का प्रभाव न पड़ना, अपमान होने पर भी अपमानित महसूस ना करना, या फिर किसी का लिहाज ना करना। जैसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल चिकना घड़ा हो गया है, आप उसे चाहे कुछ भी कहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुल्लू भर पानी में डूबना, मतलब कि लज्जित हो जाना, अपमानित हो जाना, उसे कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। छक्के छुड़ाना, मतलब कि बुरी तरह हारना, और या फिर अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना। छाती पर मूंग दलना, यानी कि पास रहकर कष्ट देना। जैसे कई लोग कहते हैं कि तुम मेरे छाती पर मूंग दल रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, तो ये है पास रहकर कष्ट देना। जान में जान आना, मतलब कि मुसीबत से निकलने पर निश्चित होना। जैसे कि जब राम को पता चल गया कि कई सारे लोग मेरे साथ आ चुके हैं, तब उसके जान में जान आई। अगला है कि जले या फिर घाव पर नमक छिड़कना, तो दुखी को अधिक दुखी करना, या फिर किसी का काम खराब होने पर हंसी उड़ाना। दहिना हाथ होना, मतलब कि बहुत बड़ा सहायक होना। मतलब कहा जाता है कि जो फलाना व्यक्ति था, वो उसका दाहिना हाथ था, मतलब कि उसका बहुत बड़ा सहायक था। दांत खट्टे करना, यानी कि प्रतिद्वंदिता या फिर लड़ाई में पछाड़ना। जैसे राम भले ही छोटा है, लेकिन उसने श्याम के दांत खट्टे कर दिए, तो ये होता है दांत खट्टे करना। दूं हिलाना, मतलब कि दीनता पूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना। और नील का टीका लगाना, मतलब कि कलंक लगाना या फिर कलंकित करना। कहा जाता है कि उस लड़की ने अपने घर पे नील का टीका लगा दिया, मतलब कलंकित कर दिया, या फिर उस लड़के ने कलंकित कर दिया। सिर ओखली में देना, मतलब कि व्यर्थ ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना। टोपी पहनाना, टोपी पहनाना या फिर मामा बनाना, इस तरह के कई सारे शब्द हैं। तो टोपी पहनाना मतलब कि बेवकूफ बनाना, वो उसको टोपी पहनाकर उसके 10,000 रुपये ले गया, या फिर उसको झांसा देना भी आप बोल सकते हैं। हवा में गांठ लगाना, मतलब कि बड़े बड़े दावे करना, असंभव कार्य को करने का दम भरना। तो यह है, और अगला है हाथ खड़े कर देना, तो यह है असमर्थता जताना। देखिए, हवा में गांठ बनना, इसको आज के समय में आप जुमला भी बोल सकते हैं, एक तरह से जुमला का आप अर्थ समझते होंगे कि ऐसे कार्य के लिए कहना या फिर दम भरना जो कभी संभव ही ना हो, तो यह है हवा में गांठ लगाना। हाथ खड़े कर देना, मतलब कि जब हमने उससे इतने पैसे मांगे तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने असमर्थता जता दी, या फिर वक्त पर मदद देने से इनकार कर दिया। हाथ धोना, मतलब कि गंवा देना, वो अपने पैसों से हाथ धो बैठा तो गंवा देना। हाथ पांव मारना, मतलब कि प्रयास करना, वो उसे पाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। पानी देना, मतलब कि सींचना या फिर तर्पण करना, मतलब कि वो अपने पुरखों को पानी दे रहा है, या फिर वो पौधों को पानी दे रहा है। पौधों की कंडीशन में उसका अर्थ सींचना होगा, पुरखों के कंडीशन में उसका अर्थ तर्पण करना होगा।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, मतलब कि पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी रखना, पासा पलटना, अच्छे से बुरा या फिर बुरे से अच्छा भाग्य का होना। जैसे अभी तक उसकी लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पासा ही पलट गया, मतलब कि अचानक से बुरा या फिर अच्छा होने लगना। पीठ दिखाना मतलब कि कायरता दिखाना, भाग जाना, दुश्मन पीठ दिखाकर भाग गया या फिर विमुख होना। आगे बढ़ते हैं जो अगला है, पैर पसारना मतलब कि फैलाना या फिर आराम से लेटे रहना, टोपी उछालना मतलब कि अपमानित करना, तुम मेरा टोपी क्यों उछाल रहे हो, और ठगा सा रह जाना मतलब कि बहुत छोटा सा महसूस करना यानी कि अपमानित महसूस करना। ये थे कुछ मुहावरे, अब देखेंगे कुछ लोकोक्तियों को। लोकोक्तियों का मतलब आप कहावतों से कह सकते हैं और यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जा सकती है, इसमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे बड़ा डिफरेंस है, मुहावरे को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, लोकोक्तियों को कर सकते हैं। जैसे कि अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब कोई किसी से पूछता कि बताओ अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब कि सदा मूर्खतापूर्ण बातें या फिर काम करते रहना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। देखिए परीक्षा में कई बार अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि ये मुहावरा है या फिर लोकोक्ति है, तो ये काफ़ी हार्ड तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहला जो मेथड है इसे इस तरह के प्रश्नों को पूरा करने का, तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों पे फोकस करना होगा, इनको याद करना होगा, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगला है कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब कि स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल ना दे, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब कि अपना हित स्वयं करना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब कि विचारों का बेमेल होना। वहाँ पे 10 लोग थे और सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजा रहे थे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि समय गुजरने पर पछताने का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं होता। असरफियाँ लुटाकर कोयले पर मुहर लगाना, मतलब कि मूल्यवान वस्तु भले ही जाए पर तुच्छ चीज़ों को बचाना, ये होता है असरफियाँ लुटाकर कोयलों पर मुहर लगाना। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, यानी कि एक विपत्ति से निकलकर दूसरे में उलझना। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब कि हर तरफ परेशानी, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग ना होना, आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी ना होना, पूर्णतः बंधन रहित होना, मतलब कि कोई बंधन नहीं होना, कोई ना तो आगे है ना तो पीछे है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब कि इच्छित कार्य न कर पाने पर कोई अन्य कार्य कर ले लगना, आप गए कहीं और, जो जिस काम के लिए गए थे वो तो किया नहीं, अपने दूसरा काम करने लगा, तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आटे के साथ घुन भी पिसता है, मतलब कि अपराधी के साथ निरापराधी भी दंड पा जाते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा, मतलब कि जहाँ का मुखिया ही मूर्ख है वहां पे अन्याय तो होगा ही। अंधों में काना राजा, मतलब कि मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी होगा ना वो बड़ा उसकी वैल्यू होगी, मतलब कि जहाँ सब अंधे हैं वहां पे एक व्यक्ति काना है, मतलब कि उसकी बस एक ही आंख है तो वो भी सबसे बड़ा है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब कि परिसर में व्यक्ति के असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपभोग करना, एक औरत है वो पीस रही है आटा लेकिन वो अंधी है और वहीं पे बगल में कुत्ता बैठ के उसको खा रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ होना। अगला है कि आँख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब कि गुण ना होने पर भी गुण का दिखावा करना, यह है आँख का अंधा नाम नैन सुख। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, मतलब कि कठिन कार्यों में उलझ कर विपत्तियों से क्या घबराना। एक अनार 100 बीमार, मतलब कि समान कम और चाहने वाले बहुत। एक और एक 11, मतलब कि एकता में शक्ति होती है। एक पंथ दो काज, मतलब कि एक प्रयत्न से दोहरा लाभ। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब कि गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करके विवाद करना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कि झगड़ा एक ओर से नहीं होता। एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा, मतलब कि औगड़ी में अवगुणों का आ जाना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, मतलब कि एक स्थान पे दो विचारधाराओं के व्यक्ति या फिर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। उल्टा
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय पूछने वाले पे ही दोष देना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़ी आवश्यकताओं के लिए कम देना, इसको कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, मतलब कि दो असमान व्यक्तियों का मेल ना होना। कंगाली में आटा गीला होना, बहुत बार पूछा गया है। कमी में और नुकसान होना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब कि इधर से उधर उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र करके अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना, इसे कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कौवा चला हंस की चाल, मतलब कि अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसे बनने जैसा प्रयत्न करना। पहाड़ खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये तो बहुत बार पूछा गया है, यह है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी कम फल मिलना। अगला है ना कि खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे, मतलब कि दूसरे के क्रोध को अनुचित स्थान पे निकालना। घर का भेदी लंका डावे, मतलब कि आपस की फूट विनाश कर देती है। अगर घर में ही कोई भेदी है तो आसानी से आपको हार का सामना करना पड़ेगा, मतलब नुकसान का सामना करना पड़ेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि घर की वस्तु का महत्व नहीं होता है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, मतलब कि झूठी शान दिखाना, घर में दाने नहीं है और लेकिन भुनाने के लिए चल दे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब कि अत्यधिक कंजूस होना। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कि सुख क्षणिक होता है, दुख ज्यादा लगता है और सुख क्षणिक होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कि अपराध बोध से व्यक्ति सामा सामा रहता है, दोषी व्यक्ति का व्यवहार उसकी असलियत उजागर कर देता है। चिराग तले अंधेरा होना, मतलब कि देने वाले का स्वयं वंचित रहना, सबका काम कराने वाले का स्वयं का काम लटका रहना, या फिर सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति को स्वयं सुविधा ना मिलना, मतलब कि चिराग है और उसके नीचे आप देखेंगे कि अंधेरा ही रहता है। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ अगर आप देते हैं तो इसे आप कह सकते हैं कि छछुंदर पर सिर और चमेली का तेल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।